आज अखबार के सार में सुनाऊंगा एक कत्ल की कहानी, द टिंडर मर्डर केस। सो लेट्स डिस्कस इन अखबार का 5 मिनट में सार। ये तो सुनी ले यार। सो सबसे पहले आज कहानी की ही बात कर लेते हैं भाइयों और बहनों। सो टिंडर ऐप, जो आप सब में से कईयों ने यूज भी किया होगा, प्राइमरली एक डेटिंग ऐप है ना। तो टिंडर को यूज करते करते एक आदमी को एक औरत मिलती है, राइट। उस औरत का नाम होता है प्रिया सेठ। तो वो प्रिया इस आदमी के साथ, जो टिंडर पे खुद को एक बिजनेसमैन बताता है, बड़ा अमीर, और विडंबना इस बात की है कि ये आदमी भी मैरिड है और जो ये औरत है ये भी किसी के साथ लिव इन में रह रही है। बट इसको लैविश लाइफस्टाइल की आदत है लड़की को, तो ये सोचती है कि भाई इसको हम किडनैप करके इससे पैसे ऐंठेंगे। तो क्या होता है, फिर ये लड़की से मिलने बुलाती है, अपने कमरे में जाते हैं उस लड़की के रेंटेड कमरे में, और वहां पे दो लड़के पहले से ही प्रेजेंट होते हैं। वो इसे दबोच लेते हैं, बोलते हैं तू अमीर बिजनेसमैन है ना, चल पैसे दे। तो अब ये तो असलियत पता लगती है, तो ये बिजनेसमैन भी नहीं होता अमीर, राइट। ये तो पहले से मैरिड होता है और अपना छोटा मोटा काम करता होता है। सो इसके बाप से 10 लाख मांगे जाते हैं, बट वो दे नहीं पाता है, तो इसे मार के सूट केस में डाल के हाईवे पर फेंक दिया जाता है। सो व्हाट इज द वार्निंग ओवर हेयर, ये क्राइम पेट्रोल वगैरह देखने के सिवाय आप ये एप्स को भी बड़ा ध्यान से यूज करें, राइट। टिंडर पे और सोशल मीडिया पे हमेशा हर कोई आपको ब्यूटीफुल दिखेगा, अमीर दिखेगा, खुश दिखेगा, अच्छा दिखेगा, पर दे आर नॉट सो इन रियलिटी। दिस इज वर्चुअल वर्ल्ड। किसी से भी आप ऑनलाइन डेटिंग के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू मिलने वगैरह जाते हैं, तो पहले 10 बार कंफर्म कर लें एंड इन्फॉर्म एवरीबडी नियर यू कि मैं ऐसा कुछ करने जा रहा हूं, एटलीस्ट वन कॉन्फिडेंट ऑफ योर लाइफ, राइट। सो अब कल का जो सवाल था, फास्टर 2.0, ये किसने लॉन्च किया है? सर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है, ध्यान देना इस पे प्लीज। पेपर में आ चुका है, HCS में दोबारा भी आ सकता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का सवाल, कंगला पैलेस कहाँ पे लोकेटेड है? सर, हिस्टोरिकल आर्कियोलॉजिकल साइट है, कौन सी स्टेट में आपने बताना है कमेंट सेक्शन में, आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट सेशन। देन टू द पॉइंट में मेंस का जो सवाल है, जिसका आपने आंसर देना है ऑन द नंबर रिटन ऑन द स्क्रीन और इन द कमेंट्स। सो सोशल मीडिया एप्स हैव एंटर्ड ईच एंड एवरी रेलम ऑफ लाइफ, देयर इज अ डायर नीड टू रेगुलेट देम, कमेंट। अबाउट 250 वर्ड में आपने आंसर लिखना है, पॉइंट वाइज लिखेंगे तो ज्यादा बेटर है। फ्री इवेल्युएशन के लिए व्हाट्सएप कर देना ऑन द नंबर ऑन द स्क्रीन, राइट। सो फैक्ट्स रेलेवेंट फॉर द एग्जाम में, सर AI 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 सारी जगह आ रहा है, सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फर्स्ट लैंग्वेज कौन सी थी? लिस्प, लिस्ट प्रोसेसिंग या लिस्प, इसको ध्यान रखना, पेपरों में पूछा जा सकता है। और 8 दिसंबर सर एंड मैम सार्क डे है, सार्क डे। आई होप यू रिमेम्बर द मेंबर्स ऑफ सार्क, कमेंट्स में बताना मुझे, नहीं पता तो आज याद कर लो। देन सर हनी बी के लिए, हनी बी के लिए भी दिवस मनाया जाता है, हनी बी दिवस कौन सी स्टेट मना रही है? नागालैंड। सो 5वीं बार हनी बी डे बनाया गया है किसामा विलेज ऑफ नागालैंड में। देन एक और बहुत ही अच्छी खबर, प्रशांत अग्रवाल साहब को बेस्ट पर्सनैलिटी इंपावरमेंट ऑफ डिफरेंटली एबल्ड अवार्ड मिला है। सो डिफरेंटली एबल्ड के लिए इन्होंने, प्रशांत अग्रवाल जी ने बहुत अच्छा काम किया है, इसीलिए इन्हें अवार्ड भी मिला है। देन सर ऐसे ऐसे सवाल आ जाते हैं, हनुक्का क्या है? हनुक्का हमें पता भी नहीं होता। सो ये ज्यूइश फेस्टिवल है, ज्यूइश पीपल इसको अपनी क्रिसमस मानते हैं, ज्यूइश क्रिसमस इज हनुक्का, इसका जरूर ध्यान रखना, कई बार फेस्टिवल्स में मैच द फॉलोइंग आ जाता है, राइट। देन मेटा जो फेसबुक की बैकएंड कंपनी है और IBM ने मिलकर लॉन्च किया है AI अलायंस, AI की बहुत सारी खबरें हैं, इसका स्टैटिक भी अच्छे से पढ़ लेना, वीक AI क्या होता है, स्ट्रॉन्ग AI क्या होता है, नहीं आता तो मुझे बताना, आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट, राइट। सो मेटा और IBM ने लॉन्च किया AI अलायंस, ओपन सोर्स AI की डेवलपमेंट करेंगे, इससे दुनिया का बहुत बेनिफिट होगा जी। देन एक और अवार्ड जो हमेशा न्यूज में रहता है, क्लाइमेट चैंपियन अवार्ड किसको मिला? सो अपने को पता होना चाहिए, ये मिशेल जेरार्ड पैलोमक एंड सेबेस्टियन मवूरा को मिला, क्लाइमेट चैंपियंस मिशेल और मवूरा, ध्यान रख लेना, याद रहेगा, राइट। देन कमिंग टू द लास्ट टर्म्स फ्रॉम द न्यूज़पेपर, इन्फिनिटी फोरम। इन्फिनिटी फोरम सर अभी प्रधानमंत्री ने सेकेंड एडिशन इसकी लॉन्च करी है। सो
इन्फिनिटी फोरम है क्या सर? दिस इज ये गिफ्ट सिटी है ना अपनी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी IFCN गिफ्ट सिटी, उनका फ्लैगशिप प्रोग्राम है IFCN गिफ्ट सिटी का। दे वॉन्ट टू यूनाइट द वर्ल्ड लीडिंग माइंड्स इन पॉलिसी, बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी। सो फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसे हम फिनटेक भी बोल देते हैं, सो फिनटेक के लिए मीटिंग्स होएंगी और इसमें बहुत सारे इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स भी रहेंगे, राइट? सो इन्फिनिटी फोरम, गिफ्ट सिटी एंड फिनटेक, ध्यान रखना प्लीज। सो दैट इज इट फॉर द डे। अखबार का 5 मिनट में सार, ये तो सुनी ले यार। चलो साथ में आगे बढ़ते हैं, तरक्की करते हैं। जय हिंद।